Hey my loves, welcome back to my channel. Today I'm gonna share with you a lightweight party wear makeup look. So let's get started. So यहाँ पर हम start करेंगे primer से और मैं यहाँ पर use कर रही हूँ color bar का flawless finish primer. So the next step is concealer and I'm gonna using Maybelline New York Fit Me concealer and the shade number is 25 medium. कंसीलर यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारे आईज़ के आसपास ना थोड़ा बहुत डार्क सर्कल्स होता है और आप अगर इसे यूज़ करोगे तो जो डार्क सर्कल्स है वो थोड़ा लाइट टोन का हो जाता है. इट्स टाइम फॉर कलर करेक्टर. आप इसे कंसीलर या फिर कलर करेक्टर कुछ भी बोल सकते हो. अगर आपके स्किन पर डार्क स्पॉट्स है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो और अगर आपके स्किन पर डार्क स्पॉट्स नहीं है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो. अगर डार्क स्पॉट्स है तो इसे यूज़ करने से आपका जो डार्क स्पॉट है ना वो लाइट टोन का हो जाता है. और गाइस, इसे मैंने लोकल स्टोर से ख़रीदा था और इसका जो प्राइस था वो था 100. So now I am using Maybelline New York Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation. इसे मैंने खरीदा था नायका से और इसका जो प्राइस था वो था 700 ऐसा कुछ और मुझे मिल गया 475 रुपीज़ में. अगर आप बिगिनर हो आप यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो. भी आप फाउंडेशन खरीदते हो ना तब आपको एक शेड लाइटर फाउंडेशन खरीदना चाहिए. भी मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और जब भी आप फाउंडेशन यूज करोगे नेक एरिया एंड हेयर एरिया में यूज करना मत भूल. नाउ आई एम यूजिंग मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी कॉम्पैक्ट एंड द शेड नंबर इज 112. फाउंडेशन एंड कंसीलर यूज करने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर यूज करना इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इससे आपका मेकअप जो है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्ट होता है एंड आपको एक मैट सा लुक मिलता है. यूजिंग एक लिक्विड आई लाइनर एंड ऑल यू गाइज नो इसे मैंने खरीदा था फ्लिपकार्ट से एंड इसे मैं यूज करती हूँ आईब्रो ड्रॉ करने के लिए. तो गाइज, अगर आपके पास आईब्रो ड्रॉ करने का कोई पेंसिल हो तो आप उसे यूज कर सकते हो. आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे आईब्रोज के बीच में जो गैप से मैं उसे ही फिलअप कर रही हूँ. सो गाइज, मैंने यहाँ पर एक ब्रोंज कलर सिलेक्ट किया है और यही कलर मेरे ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था. और गाइज, मैं यहाँ पर जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ टू बी ऑनेस्ट मतलब एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है और इसका जो प्राइस था वो था 470 ऐसा कुछ. और देख सकते हो आप मैं कैसे इसे आईज पर यूज़ कर रही हूँ. और गाइज, मैंने यहाँ पर आईलाइनर यूज नहीं किया है, अगर आप चाहते हो तो यूज कर सकते हो. नाउ आई एम यूजिंग ब्लश फ्रॉम द ब्रांड शुगर एंड द शेड नंबर इज 05 कोरल क्लाइमैक्स. चिक्स के साथ अगर आप नोज पे भी थोड़ा सा ब्लश यूज करते हो ना तो लुक बहुत ही क्यूट सा एक लुक मिलता है. नाउ आई एम यूजिंग मस्कारा फ्रॉम द ब्रांड शुगर. और गाइज, मस्कारा ना एक दो कोट से कुछ नहीं होता. अगर आप चाहते हो तो 2.5-3 कोट अच्छे से यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता इससे. सो नाउ आई एम यूजिंग लिक्विड लिपस्टिक एंड द ब्रांड नेम इज शुगर एंड द शेड नंबर इज 01. सो गाइज, जब भी आप लिक्विड लिपस्टिक यूज करोगे पहले आपको एक आउटलाइन क्रिएट कर लेना होगा, फिर इनर पोर्शन वाला पार्ट आपको फिलअप करना होगा. गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. और अभी आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और आगे बहुत सारा वीडियोस आने वाला है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए.